तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं इस वीडियो में दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से है, एंड दूसरा क्वेश्चन जो है वो एज रिलेटेड है, ठीक है। साथ में एवरेज भी इसमें मिक्स है। तो ये दोनों क्वेश्चन, एक बच्चे का रिक्वेस्ट था कि सर आप ये दोनों क्वेश्चन प्लीज करवा देना, तो क्वेश्चन ठीक ही लगा मुझे, इसलिए मैं सोचा कि मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स चीटिंग ऑफ 14.28% एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स एंड 28.57% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 12.5% लॉस। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर। समझो, एक शॉपकीपर क्या करता है, जब वो सामान खरीदने जाता है ना, तो वो 28.57% का क्या करता है, बेईमानी कर लेता है खरीदते समय, और बेचते समय 14.28% का बेईमानी करता है। साथ ही साथ वो जब कस्टमर के पास अपना सामान बेचता है तो वो बोलता है कि मैं आपको 12.5% लॉस पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ओवरऑल शॉपकीपर को जो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो कितना होता है देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं, 14.28% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे ना, तो 1/7 होता है, ठीक है। आपको ये याद कर लेना चाहिए, अगर याद नहीं है तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, ठीक है। और 28.57% का अगर आप निकालोगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये 2/7 होता है। ऐसे भी देख सकते हो, इसका अगर डबल करोगे ना, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/7 और ये 2/7। 12.5% को अभी रहने देते थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ मैं समझता हूँ, अच्छे से आप समझना, ठीक है। मान लो यहाँ देखो, दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि 7 आर्टिकल्स मतलब 7 पीस, ठीक है। 7 पीस की जो कीमत होगी वो 7 रुपए, मान लो थोड़ी देर के लिए। मान लो आप कहीं से कोई चीज खरीदने जा रहे हो, तो आपने 7 पीस कोई सामान खरीदा, ठीक है, 7 बॉल, 7 पैकेट कुछ भी, ठीक है। उसका कीमत क्या था, 7 रुपए था, लेकिन आपने बेमानी किया। आपने बेमानी किया कितना, 28.57% का बेमानी किया खरीदते समय। इट मीन्स आप 7 रुपए में ही 7 के जगह पे 9 ऑब्जेक्ट ले आए। कितने ऑब्जेक्ट ले आए, 9 ऑब्जेक्ट, मतलब 7 रुपए की जगह पे आपने 9 रुपए का सामान ले आया। कितने रुपए का सामान ले आया, 9 रुपए का। साथ ही साथ जब आप उसे कस्टमर को बेच रहे हो ना, तो आप 14.28% का बेईमानी कर रहे हो। इट मीन्स कि आप 7 रुपए में उसे 6 ही सामान दे रहे हो, ठीक है। 7 रुपए में कितने सामान दे रहे हो उसे, 6 सामान दे रहे हो। इट मीन्स वो 7 रुपए की जगह पे 6 रुपए का ही उसे सामान दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो पहला फायदा तो यही हो गया कि 6 रुपए का चीज जो है आप उसे 9 रुपए में दे रहे हो, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये चीज फाइंड कर सकते हैं। तो कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो तो 3 और 2, मतलब डिफरेंस हो गया 1, 2 नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि 6 रुपए का सामान आप 9 रुपए में बेच रहे हो, इंटू 100%, तो यहाँ से कितना आ गया, 50%। तो पहला ये प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट वो कमा रहा है जब वो बेच रहा है कस्टमर को। साथ ही साथ कस्टमर को बेचने वक्त वो बोलता है कि आपको मैं 12.5% का लॉस करवा रहा हूँ, लॉस पे कोई सामान दे रहा हूँ। इट मीन्स एक हो गया 50% का प्रॉफिट और एक हो गया लॉस 12.5% का, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। तो इसमें साइन के साथ लेना है, पहला है 50%, दूसरा है -12.5%, फिर तीसरा प्लस तो देंगे, लेकिन अगर ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये बताओ, माइनस आ जाएगा। तो 50 × 12.5/100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 50 से ये दोबारा में कटा, 2 से ये कट जाएगा 6.25 बार में। तो 50 में से 12.5 ये घटा दो तो ये हो जाएगा 37.5, उसमें से आप 6.25 घटा दो तो ये हो जाएगा 31.25%। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये प्लस में वैल्यू आया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 31.25%, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ रमेश एज टू हिज फर्स्ट डॉटर्स एज इज 15:6। तो यहाँ मैं रमेश लिखूंगा, फर्स्ट डॉटर को मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसके इन दोनों के एज का रेशियो क्या है, 15:6, इसे मैं 15x ले लेता हूँ और इसे मैं 6x ले लेता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है रमेश वाइफ एज टू हिज सेकेंड डॉटर एज इज 4:1। यहाँ वाइफ को मैं W लेता हूँ, दूसरी जो बेटी है उसका B ले लेता हूँ नाम। ये रेशियो है 4:1, इसको मैं क्या मानूंगा, 4y और y। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ देखो कहा जा रहा है, इफ एल्डर डॉटर इज
ऑफ रमेश इज 11 इयर्स एल्डर देन अनदर डॉटर, मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना दिया है 11, तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। हम लोग थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि यही जो है बड़ी बेटी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 37.25 इयर्स। एवरेज एज कैसे निकालेंगे, चारों को सम करेंगे ना, चारों के एज, तो 15 6 21x प्लस 4y प्लस y 5y बाय 4 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एवरेज इंटू 4 नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो कैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 से 4 गुना करो 120 इधर हो गया, 7 चौके 28 इधर हो गया तो 148 हो गया, और 25 पैसा को 4 से गुना करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 149 हो गया। क्या हो गया, 149। अब यहाँ दो इक्वेशन बन गया, ये और ये, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना 21x प्लस 5y इज इक्वल टू 149। इन दोनों को अगर सॉल्व करना है तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा, या तो x को या तो y को। इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इनटू 5, मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्टली यही सॉल्व करूंगा। देखो ये 5y यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऐड करेंगे हम लोग। उसके बाद देखो 5 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 और 21 कितना हो गया 51x बराबर 11 पचे 55, 55 को यहाँ लेके ऐड कर दो, 9 5 14 4 बाकी 1, 5 9 0 बाकी 1, 204, तो x बराबर हमारा क्या आ गया भाई 4 आ गया। अब x का वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखेंगे तो हो गया 24 माइनस वाई बराबर 11, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, तो x भी आ गया y भी आ गया। अब पूछा क्या गया, ये देख लो, फाइंड द एवरेज एज ऑफ रमेश वाइफ एंड हिज फर्स्ट डॉटर। रमेश वाइफ ये हो गई, फर्स्ट डॉटर ये हो गई, इन दोनों का सम बाय 2, तो 6x प्लस 4y बाय 2 मींस 3x प्लस 2y, 3x, x हमारा 4 है तो ये हो गया 12 प्लस 13 गुना 2 26, ये हो जाएगा 38। तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने बता दिया, आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और समझ भी आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये सेशन डिसमिस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।